इस समय मैं छात्रा के अनारकली वार्ड में खड़ा हूं और ये जगतपुरी में सोम बाजार है और यहां पर आम आदमी पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। निगम पार्षद है यहां की स्थानीय मीनाक्षी शर्मा, उन पर एक ऑडियो वायरल होकर उसमें सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने एक मकान को बनाने में जो है कुछ रकम के लेन देन की बात कही है, या सीधे तौर पर ये कहें कि कुछ ना कुछ जो है मकान को बनाने के लिए बात होते हुए दर्शाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निगम पार्षद का कहना है कि ये वीडियो फेक है, या ये कहे कि उसमें इस तरीके की ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी को मुद्दा हाथ लगा है और आम आदमी पार्टी यहाँ की पार्षद का पुतला जला रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है और सीधे तौर पर ये मांग कर रही है कि वो यहाँ से इस्तीफा दे और आने वाले समय में जिस तरीके से चुनाव होने हैं उसको लेकर ये मुद्दा बनाने की तैयारी भी है। मैं परवेश शर्मा, देशित, दिल्ली। मेरा नाम राजेंद्र दत्त गौड़ है सर। राजेंद्र जी, एक वीडियो सामने आया जिसमें आप आरोप लगा रहे हैं निगम पार्षद मीनाक्षी शर्मा के ऊपर, क्या है? सर, 2013 में मैंने अपना मकान बनवाया था, उस समय भी मैंने 1.25 लाख रुपए दिए थे। सुभाष शर्मा था कोई एनसीडी से, तो वो ले गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 2024 में 11 साल बाद एकदम से तोड़ने आ गए, पता नहीं, और तोड़ने के एकदम से आ गए टीम। मैंने मीनाक्षी शर्मा को फ़ोन किया, जो हमारी निगम पार्षद है बीजेपी से। मैंने कहा जी ये आए हुए हैं ये, तो मैंने तो कह रही मेरी बात करो, कह रही मैं आ रही हूँ अभी, मैं सब करा दूँगी, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, जल्दी आ जाओ, ये तो मेरा सामान वान फेंक रहे हैं बाहर निकाल के, ना इन्होंने कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया, ऐसे ही आ गए एकदम से। तो मेरे फादर भी उस समय बैठ गए थे, बीमार चल रहे हैं काफ़ी, तो ये आई आके अपने उनको ऑफिस में ले गई। मेरे दीवार के साथ ही ऑफिस है इनका, बीजेपी का, और उनकी टीम को भास्कर पांडे था, सुभाष और महेश, ये सारे इनके साथ अंदर चले गए। फिर वो इसको इन्होंने ना पता नहीं क्या बात करी क्या नहीं करी मुझे नहीं पता, उनको भेज दिया। तो भेज दिया तो कहते ऐसा है कि इसमें खर्चा तो लगेगा, अभी तो मैंने भेज दिया इनको, ये फाइल वाइल तुम्हारी रुक जाएगी सब कुछ, लेकिन तुम्हें 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये बात आपको किसने कही? पैसे देने मीनाक्षी शर्मा भी निगम पार्षद जो है, ठीक है ना, तो दीपक शर्मा भी वहीं पे था इनके साथ, और मीनाक्षी शर्मा ने मेरे को बोला कि भाई 2 लाख रुपये तो तुम्हें खर्चा करना ही पड़ेगा। मैंने घर पर जाके बात करी फादर से, भाई था मेरा उससे, तो कहते ये 2 लाख रुपये देंगे इससे अच्छा है कि हम इसको रेगुलराइज ही करा लेते हैं। मैंने रेगुलाइज के लिए एनसीडी ऑफिस गया, मैंने रेगुलाइज करवा लिया, वहाँ से जो फीस थी इनकी पेनल्टी जो भी थी मैंने भर दी सारी, उसकी सारी रसीदें रेगुलाइज के कागज मेरे पास हैं, वो रेगुलाइज मैंने करा लिया। तो उससे भी इनको पता नहीं क्या दिक्कत हुई, फिर मेरे को दोबारा चढ़ गई कि 2 लाख तो तुम्हें देने पड़ेंगे। रेगुलाइज कराने के बाद भी मेरे से 2 लाख रुपये की डिमांड कर रहे हैं। जो अधिकारी है क्या नाम है? वो जी भास्कर पांडे है, एक महेश आता है, और एक वो है सुभाष शर्मा है। कौन क्या पढ़ेंगे? पद तो पता नहीं, भास्कर पांडे तो वो है क्या कहते हैं जेई है, ये पता नहीं कौन है। मैं महेश शर्मा और ये सुभाष शर्मा, ये पता नहीं महेश और सुभाष शर्मा, इसका नहीं पता कौन है कौन नहीं। लेकिन ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि तुम्हें 2 लाख तो देने पड़ेंगे, हमारी बात हुई थी। हाँ, लेकिन शिकायत फिर मैंने तभी मैंने शिकायत करी, फिर अफसरों को दिया, और फिर क्या हुआ कि ये जब आए धमकियों के देने के लिए, क्योंकि नहीं तो तोड़ेंगे नहीं तो 2 लाख रुपए दो तुम, नहीं तो फिर मैंने फादर मेरे को ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया इनकी बातें सुन के, वहाँ पे लेटे हुए थे तो, और आज वो कोमा के अंदर ही एक तरीके से बिल्कुल पैरालाइज हो गए हैं, ब्रेन का इतना तगड़ा स्ट्रोक पड़ा है, वो सब इनकी वजह से पड़ा है, उसके जिम्मेदार ये हैं। अगर कुछ हो गया ना उनको तो उनकी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, क्योंकि इनकी वजह से उनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ा है। देखिएगा निगम पार्षद तो यहाँ की है मीनाक्षी शर्मा,
उसका आरडीओ आज की हॉर्न भी है, कल की हॉर्न भी है, पैसे लेके काम करते हैं, लाखों की रिश्वत मांगते हैं जो नहीं होनी चाहिए। लोग दुखी इनसे हैं, ये कब जान छोड़ेंगे दिल्ली की। इन्होंने लोगों ने वोट दिया था विश्वास के लिए, एक जनता का काम होगा, ये काम नहीं करते, खाली पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अखबारों में देखो ओडे कर दिए इनकी, इसकी सीधी इंक्वायरी होनी चाहिए। झूठ बोलते दूसिया बिल्कुल, जो 5 लाख 3 लाख 2 लाख आई है दूसिया वीडियो, जिसके साथ बात हुई है वो एग्री कर रहे हैं मेरे से पैसे मांगे हैं, पैसे खा भी रहे हैं। मेरे पास वोट आ रही है, मैं यहाँ पर विधायक हूँ, पल पल की वोट आती है मेरे पास, कितने पैसे लिए हैं ये अंदर ध्यान दिए सारे चीजें किस में देंगे। मेरा नाम जुगल अरोड़ा है और मैं आम आदमी पार्टी का पूर्व प्रत्याशी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक आदमी का सपना होता है मकान बनाने का, कई सालों की मेहनत और मेहनत के बाद पैसा इकट्ठा करता है, फिर वो मकान बनाता है। उस मकान पे भाजपा की निगम प्रत्याशी जो है निगम पार्षद है उनके लोग जाते हैं और पैसा की डिमांड करते हैं, उनकी कंप्लेंट करते हैं और फिर जेई को भेजकर उनको डराते धमकाते हैं और मीनाक्षी जी खुद बैठकर उसमें अपनी बार्गेनिंग करती है कि इतने पैसे दे दो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। लेकिन ये भ्रष्टाचार है, आम जनता के साथ अन्याय है। जहाँ क्षेत्र में इतनी गंदगी नजर आ रही है, क्षेत्र में एक काम नहीं हो रहा, जहाँ पे अगर मकान बन रहा है वहाँ पे इनके पास सारी खबरें होती हैं कि मकान बन रहा है, वहाँ पे जाके इनके भ्रष्ट लोग जाके पैसा मांगते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाजपा जैसी निकम्मी सरकार, ये जो निगम में बैठे लोग हैं भाजपा के, सबसे ज्यादा रिश्वत मांग रहे हैं। और हमारी कृष्ण नगर विधानसभा का तो सबसे बुरा हाल है, यहाँ पे निगम पार्षद सबसे ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो वीडियो है गलत है। कोई वीडियो गलत नहीं है, बिल्कुल प्रूफ के साथ ये वीडियो बनी है और ये वीडियो सत्य है, तो जांच के लिए कहें हम इसकी कॉपी आगे सीबीआई को देंगे और जांच करवाएंगे कि इनको अरेस्ट किया जाए, इनकी सदस्यता को रद्द किया जाए, भाजपा जैसे भ्रष्टाचारी इन लोगों को मदद कर रही है इनको हटाया जाए, आम जनता को सुविधा दी जाए। ये अभी तो शुरुआत है, ये आंदोलन भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ हमारी पार्टी करती आई है और करती रहेगी।